दोस्तों, मैं आज एक ऐसी प्रॉब्लम पर बात करने जा रहा हूं जिससे हर न्यू मदर को दो चार होना ही पड़ता है। प्रेगनेंसी के बाद पेट पर सफेद धारियां यानी स्ट्रेच मार्क्स का आ जाना। स्ट्रेच मार्क्स जेंट्स को भी होते हैं, अक्सर वजन बढ़ने के बाद या अचानक से बहुत ज्यादा वजन कम करने के बाद ये स्ट्रेच मार्क्स जेंट्स में भी होते हैं। एक रिसर्च के हिसाब से 50 से 90% महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेच मार्क्स का सामना करना पड़ता है। आपने कभी सोचा है ये धारियां आखिर क्यों पड़ती हैं, इसका कारण क्या होता है, क्या हम इन्हें होने से रोक सकते हैं, या अगर ये हो भी जाए तो क्या इनको कम किया जा सकता है या हटाया जा सकता है? ये सब जानने के लिए आपको बने रहना होगा मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में थोड़ा डिटेल में। सबसे पहले ये समझते हैं कि स्ट्रेच मार्क्स एक्चुअल में होते क्या है। देखिए, जब हमारी स्किन सडनली स्ट्रेच होती है, जैसे प्रेगनेंसी के बाद या वजन बढ़ने के बाद जब अचानक से वेट कम हो जाए, तो स्किन के जो कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स हैं वो टूट जाते हैं। जब एक वूमेन प्रेग्नेंट होती है तो उसका वजन लगभग 25 से 35 पाउंड तक बढ़ जाता है, जो एब्डोमेन की स्किन पर काफी प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से एब्डोमेन की मसल्स के फाइबर्स टूट जाते हैं। डिलीवरी के बाद जब ये हील होते हैं, ये मार्क्स पहले रेड या पर्पल कलर के होते हैं, लेकिन टाइम के साथ ये सफेद हो जाते हैं, जिनको स्ट्रेच मार्क्स कहा जाता है। ये एब्डोमेन के साथ साथ थाइस पर भी हो सकते हैं, देखने में काफी भद्दे लगते हैं, इसलिए ये हर नई माँ के लिए बड़ी समस्या के रूप में सामने आते हैं। उनके लिए अपनी ड्रेसेस को सेलेक्ट करने से पहले कई बार सोचना पड़ता है। जेंट्स के भी जनरली स्ट्रेच मार्क्स आते हैं, लेकिन वो थाई पर होते हैं, जो उनके लिए फिर भी मैनेज करना बहुत आसान होता है, लेकिन वुमेन के लिए साड़ी डालना या कोई ऐसी ड्रेस पहनना जिसमें एब्डोमेन थोड़ा भी दिख रहा हो, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो बात करते हैं कि आप इन धारियों यानी स्ट्रेच मार्क्स को बनने से कैसे रोक सकते हैं, या अगर बन भी गए हैं तो उनके असर को कैसे कम कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हाइड्रेशन मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। आपको पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए। अगर आप हाइड्रेटेड हैं तो आपका जो मॉइस्चर है वो लेवल मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से कोलेजन जो इलास्टिन के टुकड़े हैं ना, वो टूटना कम हो जाते हैं। दूसरा, आप प्रेगनेंसी शुरू होते ही पहले दूसरे महीने से ही अपनी एब्डोमेन पर नेचुरल ऑयल्स जैसे ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल या ऑलमंड ऑयल का इस्तेमाल करें। इन्हें अपने पेट पर अच्छे से लगाएं और हल्के हाथ से स्किन पर मालिश करें। साथ ही आपको फिजियोथेरेपिस्ट के गाइडेंस में कुछ एक्सरसाइज शुरू कर देनी चाहिए प्रेगनेंसी शुरू होने के बाद ही। इसमें भी स्ट्रेच मार्क्स को काफी हद तक कम किया जा सकता है। और अगर देखिए आपको स्ट्रेच मार्क्स हो ही गए हैं तो उनको कैसे कम कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको ये कुछ होम रेमेडीज बता रहा हूं। इनके इस्तेमाल से आप स्ट्रेच मार्क्स को काफी हद तक कम कर सकते हैं। सबसे इफेक्टिव रेमेडी होती है शुगर स्क्रब। बस थोड़ा सा शुगर पाउडर ले लें, उसमें ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल मिला लें और थोड़ा सा लेमन जूस अच्छे से मिला लें, और इस मिक्सचर को अपने पेट पर अच्छे से रोजाना लगाएं और हल्का सा स्क्रब करें। ये स्क्रब डेड स्किन को रिमूव करेगा और स्किन के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, जिससे जो मार्क्स हैं वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे। ट्राई करके देखें, उसके बाद कमेंट करके बताना कि आपको कैसा फायदा मिला। अगर स्ट्रेच मार्क्स बहुत ज्यादा है तो कुछ मामलों में आपको प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में आप डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपको कुछ लेजर ट्रीटमेंट्स या क्रीम्स के ऑप्शंस बता सकते हैं। स्ट्रेच मार्क्स का ट्रीटमेंट के लिए कुछ एडवांस ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनको आप अपना सकते हैं जो काफी इफेक्टिव हो सकते हैं। या मैं कुछ पॉपुलर ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करूंगा जिनसे आप फायदा उठा सकते हैं। पहला होता है फ्रैक्शनल लेजर थेरेपी, जिसको फ्रैक्सल लेजर भी कहते हैं। ये ट्रीटमेंट स्किन के ऊपर लेजर बीम का इस्तेमाल करके कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम करता है, जिससे स्ट्रेच मार्क्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं। दूसरा होता है माइक्रो डर्मो एब्रेजन। इस टेक्निक में स्किन के ऊपर की लेयर को जेंटली स्क्रब किया जाता है ताकि न्यू स्किन सेल्स की ग्रोथ हो और ये मार्क्स कम होने लगे। तीसरा होता है देखिए रेडियो फ्रिक्वेंसी माइक्रो नीडलिंग। ये ट्रीटमेंट माइक्रो नीडल्स के साथ साथ स्किन के अंदर जो रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी को डिलीवर करता है, जिससे कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ता है और स्किन की इलास्टिसिटी इंप्रूव हो जाती है, जिसकी वजह से स्ट्रेच मार्क्स हैं वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। चौथा हो सकता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, जिसको पीआरपी थेरेपी के नाम से भी जानते हैं। इस ट्रीटमेंट में आपकी खुद की ब्लड से प्लाज्मा निकालकर स्किन में इंजेक्ट किया जाता है, जो हीलिंग प्रोसेस को बढ़ा देता है और स्किन रिजुविनेशन होता है, जिससे स्ट्रेच मार्क्स रिड्यूस हो जाते हैं
और ये आपके लिए एक मददगार ट्रीटमेंट ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा टॉपिकल ट्रीटमेंट विद रेटिनॉइड्स, ऐसी क्रीम्स या जेल जिनके अंदर विटामिन ए ज्यादा होता है, स्किन की रिपेयर करने में मदद करते हैं। साथ ही कुछ केमिकल पील्स भी काफी फायदेमंद होते हैं, इसमें स्पेशल केमिकल्स या सॉल्यूशंस का इस्तेमाल किया जाता है जैसे ग्लाइकोल एसिड पील, पीसीए पील, लेकिन इनको डॉक्टर की बिना सलाह के बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, अदरवाइज आपको नुकसान भी हो सकता है। एंड द लास्ट इज द सर्जरी जिसको एब्डोमिनोप्लास्टी कहते हैं। अगर स्ट्रेच मार्क्स बहुत ज्यादा है, बहुत बड़े बड़े हैं और स्किन को टाइटन करने की जरूरत भी है तो एब्डोमिनोप्लास्टी सर्जरी एक अच्छा ऑप्शन है। ये ऑप्शन ज्यादा सीवियर केसेस में ही इस्तेमाल होता है। हर ट्रीटमेंट के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन केयर प्रोफेशनल से कंसल्ट करना जरूरी है, अपने आप से खुद से कुछ भी ना करें। इसके अलावा देखिए इसमें कौन सा ट्रीटमेंट सूटेबल होगा वो आपकी स्किन टाइप पे, आपकी हेल्थ पे, आपकी कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है। हर एक ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स हर एक इंडिविजुअल के हिसाब से भी अलग होता है और ट्रीटमेंट का रिजल्ट भी वेरी कर सकता है। आपको 60 से 100% तक के रिजल्ट्स आसानी से मिल सकते हैं डिपेंडिंग कौन सा ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो याद रखें स्ट्रेच मार्क्स आपकी मदरहुड की निशानी है, तो फैसला आपका है कि आप इनको रखना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं। आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें सो दैट इस तरह के हेल्थ इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिलते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किससे अगले ऐसी वीडियो में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।